जी थोड़ा सा हमने स्टे लिया है यहाँ पे, एक बड़ी छाँव किस्म घनी छाँव किस्म का यहाँ पे खिता बना हुआ है। अब आप नोट करें सुकून, और ये कह रहे हैं कि यहाँ पर गर्मियों में छाँव में बैठने का इतनी ठंडक होती है ऐसा लशपश। और अभी आपको नलके से पानी इधर कर लें यार, आतिफ को नलका देख के पता नहीं क्या हो जाता है, ये स्पेशली ट्रैक्टर से उतरा और कह रहा है मैं यहाँ पे पानी पीऊँगा, और नलके से पानी पीने का मुजाहरा आप देखें। देख भाई ऐसे पीते हैं, अकेला जब पसंदर बंदा होता है ये हाँ जरूरत नहीं पड़ती। हाँ हाँ मज़ा आ रहा है भाई, बहुत बहुत मज़ा आ रहा है। तो आज ठंडा पानी है तो घर में तो नहीं नहाना, या तो ट्यूबवेल में नहाना है या नलके में मुँह धोना। ओहो क्या नैप करें, झुक रहा हूँ यार, इसका पानी गली ऊपर आ रहा। पिंड का एसेंस, अस्सलाम वालेकुम। मेरे पीछे आप जो ये खंडर साहिब का देख रहे हैं टाइप का, इसके बारे में कहा था ये बहुत पुराना बना हुआ है, और कराइन ये बताते हैं, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, ये पाकिस्तान बनने से पहले का बना हुआ है। और नॉर्मली इस तरह के जो कमरे बने हुए होते हैं खेतों के दरमियान डेरे में, वहाँ पर ये होता है कि लोग जो पानी वानी लगाने आते हैं खेतों में और काश्तकारी करने आते हैं तो यहाँ पर सोते हैं। लेकिन ये इतना कदीम है कि यहाँ पर अब कोई नहीं रहता, और आप इसकी वीरानी अगर नोट करें तो मतलब देख के एक पुरसरारियत का एहसास होता है, बाकायदा गंभीरता महसूस हो रही है, और मतलब हिस्ट्री पुकार रही है इस खंडर से चीख चीख के। काफ़ी पुराना बना हुआ है, बिल्कुल गैर आबाद वीरान बियाबान। और अंदर का मैं आपको थोड़ा सा व्यू देता हूँ, इसका आपको आइडिया हो जाएगा कि ये अब तो बाकायदा झाड़ झनका रुक चुकी है, कभी ये रहने का कमरा हुआ करता था। और ये देखिए आप सुकून, आप खुद देख लें क्या है, और छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन आगे ज़्यादा जा नहीं सकता, कांटे शांटे भी हैं। इसके उस तरफ जो आपको सामने खिड़की टाइप की नज़र आ रही है, ये उस तरफ खेत है। मेरे पीछे जो आप ये दरख्त देख रहे हैं ये काफ़ी पुराना है, ये खराब ख़त्म हो चुका है, मुर्दा हो चुका है, और इसकी आप ज़खामत देखें, अजमत देखें, और इसकी मतलब ज़्यादा मुश्किल उर्दू में अगर मैं कहूँ तो पुरशिको दरख्त है, लेकिन अब बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, टुंड मुंड टाइप का हो चुका है, और उसके नीचे हाँ आग वग भी जलाते रहे शायद, लेकिन ये फिर भी मतलब कैसे सर उठाए खड़ा है। और ये जो आप इस तरफ देख रहे हैं मेरे उल्टे हाथ पे, यहाँ पर ये पोल्ट्री फार्म हुआ करता था पहले कभी किसी ज़माने में, और यहाँ पर मुर्गियाँ पालते थे, और इधर पूरा एक अगर आप देखें तो एक पूरी बाउंड्री वॉल बनी हुई, और अब बिल्कुल खंडर है, वीरान है, कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर उसी पोल्ट्री फार्म की कंटिन्यूटी है। और ये आगे से दीवार मिली हुई, पीछे आप मेरे अगर देख रहे हो तो मेहराब, ये पोल्ट्री फार्म का मखसूस यहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टाइल है, और किसी ज़माने में होता होगा पोल्ट्री फार्म यहाँ पे, बहुत पुराना, क्योंकि इतना 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 वीरान और बसीदा और खंडर गर्दालू कचरा पता नहीं क्या क्या, कि यहाँ तो कोई रहने का मतलब क्या आने का तसव्वुर ही नहीं कर सकता। इत्तफाक से हम यहाँ से गुजर रहे थे, हमने कहा आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दें इसका, ठीक है। और पूरा एक बाउंड्री वॉल सी बनी हुई है, और सारी मतलब एक सिलसिला मेहराबों का चलता हुआ आ रहा है, सिलसिला मेहराबों का, वाह। तो कायम है बुनियादें, कायम है मेहराबें, कायम है, लेकिन यहाँ कोई रहता नहीं है, लेकिन जो भी है बड़ा अट्रैक्टिव विंटेज, मतलब काइंड ऑफ असासा, रियल एसेंस ऑफ पिंड, मज़ेदार। भाई मैं आपको उतर चढ़ाऊँ, पकड़ना ये, मुझे चढ़ना आता है बहुत अच्छी तरह, और उतरना भी आता है, रहने दे चल। अब देखो दरख्त पे चढ़ने का पोल्ट्री फार्म भी दिखा दिया, हमने आपको कदीम दरख्त भी दिखा दिया, गाँव का प्रॉपर एसेंस भी दिखा दिया, सुकून ठंडी छाँव, और इवन गर्मियों में ठंडी छाँव, फिर नलके का ठंडा पानी। तो मेरा ख्याल है ये जो विंटेज है फीलिंग, ये शायद नहीं, ये नहीं मिल सकती लिटरली, आप मुझे कुछ भी कहें, ये देहात के अंदर ही मौजूद है, मिल सकती है, ये कहीं और नहीं मिलेगी। हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा youtube.com/oonchifilms, और कहीं आ रहा होगा रेड बटन, सब्सक्राइब कर लें अब।